सीएम अखिलेश यादव ने आज यूपी में 5 अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इसी कड़ी में बिजनौर में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर जमकर निशाना बोला। अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि बुआ ने बीजेपी से कई बार समझौता किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाथी वाली सरकार कह रही है अब हाथी नहीं लगाएंगे, काम करेंगे। हम कई सालों से देख रहे हैं कि जो हाथी खड़े हैं वो बैठे नहीं और जो बैठे हैं वो खड़े नहीं हुए। वहीं अखिलेश यादव ने सपा सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गांव में 16 और 18 घंटे बिजली पहुंचाई जा रही है, अगली बार सरकार बनने पर 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस भर्ती को आसान बनाने को भी कहा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं। वो कहते हैं कि आंधी चल रही है लेकिन हमने तो हवा भी नहीं देखी उनकी कहीं पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों को बैंकों की लाइन में लगा दिया, सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए। बीजेपी वालों ने काला धन के नाम पर लोगों को गुमराह किया है, किसानों के सामने मुश्किल खड़ी की है, बुआई के समय नोटबंदी करके किसानों की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भाजपा को सबक सिखाएगी, नोटबंदी के चलते लोगों की शादी टूट गई। ये लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन से लेन देन करिए, बताइए कि बुजुर्ग मोबाइल फोन से कैसे लेन देन करेगा, लेकिन हम समाजवादी लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनावी रैली में अपनी बुआ को याद कर हमला बोला है, मगर सबसे अहम बात यह है कि गांव को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। पिछले 5 सालों में गांव में कितनी बिजली रहती है यह तो गांव वाले ही अच्छी तरह बता सकते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।